काम जो कि न पवन कर सके, ना खेसारी और ना ही निरहुआ, लेकिन इस काम को अगर किसी ने कर दिखाया है तो वो है प्रदीप पांडे चिंटू। दिल के हाथों कौन मजबूर नहीं होता। जी हाँ, अक्षरा सिंह के लिए ये कहावत सबसे फिट बैठती है। आप कहेंगे हम बात प्रदीप पांडे चिंटू की कर रहे थे, बीच में अक्षरा सिंह कहाँ आ गई। इसके लिए किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको दिल का कनेक्शन बताएंगे। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो काम जो कोई नहीं कर सका भोजपुरी इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं कर सके, बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं कर सके, और तो और खेसारी पवन निरहुआ जैसे सुपरस्टार धरे के धरे रह गए, वो काम किया है किसी और ने नहीं बल्कि प्रदीप पांडे चिंटू ने। जी हाँ, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी जो कि एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी, अवार्ड शो हो तो पहले अगर अक्षरा ने परफॉर्म किया है तो वो काजल की परफॉर्मेंस देखे बगैर ही अवार्ड शो से निकल जाया करती थी। अगर वो जान गई कि किसी शूट पे अक्षरा सिंह है तो फिर काजल राघवानी वहां से निकल जाया करती थी। इन दोनों के बीच 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा था, लेकिन अब वो काम प्रदीप पांडे चिंटू ने किया है। जी हाँ, लखनऊ में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी के फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहीं पर अक्षरा सिंह आ गई। आजकल अक्षरा सिंह प्रदीप पांडे चिंटू के सेट पर बहुत आया जाया करती हैं, और यहीं पर ऐसे में जब अक्षरा सिंह प्रदीप पांडे चिंटू से मिलने आई तो काजल राघवानी वहाँ मौजूद थी, और काजल राघवानी और अक्षरा सिंह के बीच दोस्ती का जो एक नया रिश्ता कायम किया है किसी और ने नहीं बल्कि प्रदीप पांडे चिंटू ने कायम किया है। एक दूसरे की फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर रही हैं जो एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल थी। खैर, वक्त है, कुछ भी हो सकता है जनाब, और ये तो अच्छी बात है कि जहां लोग प्रेम भाव से रहेंगे वहां तरक्की निश्चित है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।